वन्ना फ्रॉम सक्सेस पॉइंट. आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. आई बिलीव कि आपने लास्ट चैप्टर आराम से कर लिया होगा, विच वॉज कंसेप्ट ऑफ डिवेलपमेंट. ठीक है, तो आज जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हम सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 21 जनवरी को एग्जाम है, उसी को लेके हम सेकेंड चैप्टर करेंगे जो कि है सोशलाइजेशन. ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में. ठीक है जी, सोशलाइजेशन देखो शब्दों की ही सब काया माया है. मतलब सोशलाइजेशन समाजीकरण. समाजीकरण क्या है? जैसे हम अपने घर में बातचीत करते हैं, बाहर नेबर से बातचीत करते हैं, जो भी हम आसपास देख रहे हैं उससे हम कुछ सीख रहे हैं, तो ये सब कुछ समाजीकरण की प्रक्रिया है. ये जन्म से ही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है. जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमारा समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है. हम समाज के कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज को समझते हैं. एक तरह से हमारी पर्सनैलिटी का डिवेलपमेंट है जो, वह एक समाजीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है. तो ये एक समाजीकरण आपको समझ आ गया होगा कि समाजीकरण एक बहुत छोटी सी नहीं बड़ी टर्म है जिसमें बहुत कुछ आ जाता है. आपके बातचीत करने का तरीका, आप समाज में कैसे चल रहे हो, आप कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हो, कल्चरल वैल्यूज को अटेन कर रहे हो. ठीक है, तो इस तरह से समाजीकरण चलता है. इसको अगर मैं दो शब्दों में बयान करूं तो सोशल एंड कल्चरल कंटिन्यूटी आर अटेन्ड. मतलब आप सामाजिक और जो सांस्कृतिक वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको आप अटेन करते हो सोसाइटी में रहकर. ठीक है जी, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं. जैसे कि सी एच कुले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दी है. तो सी एच कुले की लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी को आप समझो. इसका मतलब है कि एक इंसान अपने आप को दूसरे के नजरिए से देखता है. मतलब हम लोग एक इमेजिनरी ऑडियंस बना लेते हैं अपने माइंड में. जैसे कि मैं सोचूं कि मैं शादी में ऐसे बन के जाऊंगी तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे, खूबसूरत समझेंगे. ठीक है, अगर मैं किसी ऑफिस मीटिंग में जा रही हूं तो मैं कुछ सूट बूट अच्छा सा पहन के जाऊं तो वो मुझे ऐसे परसीव करेंगे. हम अपने आप को लोगों के नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमने अपने माइंड में एक इमेजिनरी ऑडियंस बनाई हुई है. हमारे माइंड में एक इमेजिनरी वर्ल्ड है. तो इसको प्याजे ने एडोलेसेंस की ईगो सेंट्रिज्म की मतलब स्टेज भी कहा है. ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब कौन सी स्टेज में बच्चे इमेजिनरी ऑडियंस को बिल्ड कर लेते हैं, बना लेते हैं. तो हम कहते हैं एडोलेसेंस पीरियड में. तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो मैं लुकिंग ग्लास सेल्फ के साथ लिख दूंगी इमेजिनरी ऑडियंस. ठीक है, तो हम अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, जो दूसरा बंदा हमारे लिए इंटरप्रेट करेगा वैसे. ठीक है जी, तो ये फिर मिड ने जीएच मिड ने एक दी है आई और मी की थ्योरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीएच मिड ने आई और मी की थ्योरी दी है. आई मतलब क्या, कि हाउ आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ टू अदर्स. मैं अपने आप को दूसरों के सामने क्या दिखाता हूं. मी में क्या है, कि मैं दूसरों का जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे एक्सेप्ट करता हूं या फिर इंटरनलाइज करता हूं. ये बात दोनों समझने वाली है. आई और मी वैसे सेल्फ को ही डोनेट सेल्फ को ही दर्शाते हैं, बट आई मतलब मैं दूसरों के सामने कैसा दिखा रहा हूं अपने आप को. मी मतलब मैं दूसरे मेरे को कैसा अपने आप को दिखा रहे हैं. मैं दूसरों को समझता हूं, उनकी मतलब जो भी है इंटरनलाइज करता हूं. ठीक है, तो आई और मी का ये कंसेप्ट है. उसके बाद है थ्योरी ऑफ माइंड जो कि बट ने दी है. ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मेरे को है कि आप एक बार समझ लो थ्योरी ऑफ माइंड क्या है. कि अपने आप की रोल टेकिंग, मतलब इसमें क्या आता है ना कि आपकी चेतना जागी है, सेल्फ कॉन्शियस हो चुके हो आप, और आपकी जो समझने की क्षमता है चीजों को वो बढ़ गई है. सो दिस इज थ्योरी ऑफ माइंड. द रोल टेकिंग जो वर्ड है ये आप ध्यान में रखेंगे, रोल टेकिंग यहां पे मतलब क्या है इसका, मतलब समाज को समझते हुए आपने अपना रोल निर्धारित कर लिया है. आप समझ गए हो कि हाउ शुड आई बिहेव इन द सोसाइटी, आप में चेतना आ गई है. तो इस तरह के हम इसको बट ने थ्योरी ऑफ माइंड कहा है. ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है. उसके बाद है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, कि समाजीकरण प्रक्रिया के कितने प्रकार हैं.
टू टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी. नाम से ही पता चल रहा है प्राइमरी, जब बच्चा जन्म लेता है, जिसमें बच्चा अपने आप को समझता है, सेल्फ की डेवलपमेंट होती है उसकी, वो वार्तालाप करता है फैमिली से, फ्रेंड्स से, ठीक है, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं उसकी, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है. ठीक है, बच्चा शुरू शुरू में तो सेंसेस के थ्रू ही सीखता है, आपको पता है ना. इसमें ही जो प्राइमरी सोशलाइजेशन में सीएच खुले और मिड का कंसेप्ट आएगा कि बच्चा अपने आप को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करता है. क्लियर? अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, मदर है, सिस्टर है, सिब्लिंग्स हैं, ठीक है, केयर टेकर्स हैं, तो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएंगे. और अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, जो बच्चा स्कूल में जाने लगे होता है, एजुकेशन, ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चा कॉम्प्लेक्स रोल्स की तरफ बढ़ता है. और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक मिनट में कैमरा देखू. हाँ बस ठीक है, चल रहा है. तो ठीक है, सेकेंडरी में हम कॉम्प्लेक्स रोल सीखते हैं. सेकेंडरी सोशलाइजेशन में स्कूल से इंटरेक्ट कर रहा है, पीयर ग्रुप से मिल रहा है, और भी बहुत तरह तरह की चीजों से बच्चा इंटरेक्ट करता है. क्लियर है? ठीक है, फिर ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरी ब्रॉन फेन ब्रनर ने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट दिया है. इसमें से आपको क्वेश्चन पक्का आता ही है एग्जाम में, तो ये आप समझ लो बड़े अच्छे से. मैं आपको बता देती हूँ, बीच में है आई, मतलब मैं, इंडिविजुअल, सेल्फ से रिलेटेड है माइक्रो सिस्टम. माइक्रो में मैं लिख लेती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, माइक्रो सिस्टम में आ जाएंगे फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, सोशल सिस्टम. तो ये बच्चे के साथ इमीडिएट रिलेशन होता है, डायरेक्ट बच्चे का रिलेशन होता है ना इसके साथ. हिस्टोरिकल प्लेसेस भी आ जाएंगे. आई मतलब सेल्फ, माइक्रो जिसका बच्चे के साथ डायरेक्ट लिंक है. फिर आता है मीजो सिस्टम. ये यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. मीजो सिस्टम होता है जैसे फैमिली और स्कूल में कोई रिलेशन है, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो वो मीजो सिस्टम में आ जाएगी. आप समझ पा रहे हो, माइक्रो सिस्टम में जितने भी उसकी वो है आइडेंटिटीज है, फैमिली, स्कूल, उनका आपस में रिलेशन है, जो वो इसमें आ जाएगा मीजो में. अब पेरेंट्स हैं जो बच्चों के प्लेग्राउंड में नहीं है, किसी बच्चे का मान लो फुटबॉल का मैच है या बैडमिंटन का मैच है, पेरेंट्स देखने गए हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उनका आपस में रिलेशन हो गया. वो सारा किसमें आता है, मीजो सिस्टम में आता है. क्लियर हो गया? फिर है एक्सो सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें काफी बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है. एक्सो सिस्टम है कि बाहरी क्या सिस्टम है जिसका बच्चे से कुछ डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता, जैसे कि पेरेंट्स की सैलरी बढ़ गई मान लो, ठीक है, और पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर कह लो कि और क्या आ सकता है एक्सो सिस्टम में, ट्रांसफर, पेरेंट्स का हाँ हो गया, तो इससे डायरेक्टली एक्सो का मतलब बाहरी, एक्सो सिस्टम का जिससे बच्चे से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, पर पेरेंट्स की अगर सैलरी बड़ी है तो डेफिनेटली बच्चे को अच्छी सहूलतें मिलेंगी, उसकी डेवलपमेंट उसी तरीके से होगी. अगर पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जा रहा है बार बार, तो बच्चे का समाजीकरण उसी प्रकार से इफेक्ट होगा. फिर इसके बाहर है सबसे बड़ा है मैक्रो सिस्टम. ये भी आप ध्यान में रख लो, मैक्रो सिस्टम ये बहुत बड़ा है. इसमें कल्चर, वैल्यूज, ठीक है, ये आ जाता है कि किस कल्चर में क्या मतलब वैल्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे का सोशलाइजेशन होता है. इस बात को ध्यान से समझो, मैक्रो सिस्टम एक बड़ी है जिसमें बच्चे का कल्चर और वैल्यूज मतलब आ जाएंगे. और आप ये कह लो कि एक सोशल स्टेटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्रो सिस्टम में सोशल सिस्टम आ जाएगा. एक मिनट, सोशल स्टेटस आए, सॉरी, जैसे मान लो कोई बच्चा गरीब फैमिली में पैदा हुआ है, पुअर फैमिली में पैदा हुआ है, तो उसका सोशलाइजेशन वैसा होगा.
वो थ्रू आउट लाइफ हार्डवर्क करेगा। और कोई बच्चा बहुत वेल ऑफ रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो उसका समझी करने का अलग तरीके से होगा, ठीक है। तो सोशल स्टेटस वाली बात, कल्चरल वैल्यूज की बात, लॉज नॉर्म्स की बात, बड़ी जो बात है वो मैक्रो सिस्टम में आएगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, आई मतलब मी माई सेल्फ, माइक्रो मतलब जो मेरे फैमिली स्कूल सोशल सिस्टम है उसके साथ रिलेटेड है, बच्चा इसके साथ रिलेटेड है, फैमिली के साथ, स्कूल के साथ, ठीक है, सोशल सिस्टम के साथ। फिर आपस में फैमिली स्कूल का, फैमिली का पीयर ग्रुप के साथ जो रिलेशन है वो मीजो सिस्टम में है। एक्सो सिस्टम बच्चे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, बच्चे की बाहरी स्थितियां बच्चे को कैसे अफेक्ट कर रही है वो आता है। मैक्रो सिस्टम बहुत बड़ा हो गया कि किस समाज में वो पैदा हुआ है, ठीक है। फिर एक क्रोनो सिस्टम भी होता है, क्रोनो सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ओवर द पीरियड ऑफ वन्स लाइफ क्या इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, ठीक है। अब डिवोर्स तो बार बार नहीं होता ना, कि बच्चे की लाइफ टाइम के ड्यूरेशन में उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया तो उसके दिमाग पे क्या इफेक्ट है, उसका सोशलाइजेशन कैसे होगा, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। एक बार देख लो आप इस चीज को। उसके बाद ये थी एक डिवोर्स की एग्जांपल क्रोनो सिस्टम में। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि अगर पिछले 40-50 सालों में हम देखें तो विमेन वर्कफोर्स में कितनी ज्यादा आ गई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समझ पा रहे हैं आप, मतलब एक सदी आफ्टर डेकेड क्या इफेक्ट पड़ा है। क्रोनो सिस्टम सबसे बड़ा है, ठीक है। इसमें टाइम की आ जाएगी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस आई हैं, उन चेंजेस का किसी की लाइफ में क्या इफेक्ट रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो सोशलाइजेशन हमने समझी कि सोसाइटी के नॉर्म्स कस्टम वैल्यूज के अकॉर्डिंगली खुद को समायोजित करना, एडजस्ट करना। सी एच कुले की लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में कॉन्शियस होना। मिड की आई और मी की थ्योरी, थ्योरी ऑफ माइंड बाय बट, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, सेकेंडरी मतलब आफ्टर जब फैमिली के स्कूल में जाता है। तो यूरी ब्रनर के द्वारा दी गई इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जिसमें हमने काफी तरह की डिस्कस की है, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो, ठीक है। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आता है आफ्टर दिस लेक्चर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और ये मैं अपना एक बार नंबर भी दे देती हूँ, आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 8968069876। तो इस पे आप व्हाट्सएप करके अपनी कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।